जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है, हास्यप्रद है। आज की कथा है मूर्खों के गांव में राम राम। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में टिंकू रिंकू रहते थे। दोनों सगे भाई थे, पर दोनों थे निरे मूर्ख। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। एक रस्सी बांट रहा था, दूसरा नाश्ता कर रहा था। उसी समय भेखू भैंस वाला गली में दिखा। वह अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए ले जा रहा था। उसने टिंकू रिंकू को राम राम की। उन दोनों ने राम राम का जवाब दिया। भेकू भैंस वाला आगे चल दिया, पर टिंकू रिंकू आपस में लड़ने लग गए। टिंकू बोला, तूने राम राम क्यों कही? एक ने कहा, उसने मुझे बोला है, तुम्हें क्यों बोलेगा? वाह भाई वाह, पगड़ी आई मेरे, रख ली अपने सर पर, टिंकू ने कहा। दोनों में तू तू मैं ज़्यादा बढ़ गई। तभी उनके पड़ोसन कोमल भाभी आई और बोली, देवताओं क्यों लड़ रहे हो? फटे बांस की तरह अपने गले को क्यों फाड़ रहे हो? टिंकू ने बोला, भीखू भैंस वाला मुझे राम राम बोलकर गया है। अब यह जिद कर रहा है कि वह मेरे को बोलकर गया है। रिंकू बोला, भाभी सच बात यह है कि वह मुझसे राम राम करके गया है और यह अपने लिए बता रहा है। कोमल ने कहा, तो तुम किस लिए लड़ रहे हो? भीखू से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उसने किसको राम राम की है? जाओ भीखू को बुलाकर लाओ। टिंकू भागता हुआ भीखू को बुलाने पहुंचा। भीखू से कहा, जरा भाई घर तक चलो, हमारी भाभी बुला रही है। भीखू कोमल भाभी का नाम सुनते ही बोला, क्या जमुना पार वाले बुला रही है? जरूर चलूंगा। देवघट पर वह आंखों काजल डालकर जब जिमाती है तो देखते ही बनता है। फूली पूरी खीर साथ में ऊपर से बूरा डालती है तो खाने में आनंद आ जाता है। टिंकू ने बोला, अरे भाई साहब, हमारी भाभी जैसी है अच्छी है, उसके बारे में तुम मत बोलो। भीखू ने कहा, अरे लाला, ऐसा डर है तो उसे ताले में बंद करके रखो। इस तरह बात करते करते दोनों घर तक आ गए। कोमल ने पूछा, अजी तुम ऐसा क्या बीज बो गए कि दोनों जने आपस में लड़ रहे हैं? भीखू बोला, क्यों क्या हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कोमल बोली, अजी तुम राम राम करके गए थे, अब दोनों जने आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है मुझे राम राम कह के गए हैं, दूसरा कह रहा है मुझे राम राम कहकर गए हैं। अब तुम ही बताओ कि किसे राम राम कहकर गए हो तुम? इस बात को तुम अभी स्पष्ट करो। भीखू बड़े चक्कर में आ गया, किसके लिए कहता किसको नाराज करता। उसने गेंद उनके ही पाले में डाल दी, बोला, मैं तो मूर्ख को राम राम करके गया था। यह बात सुनकर दोनों तुरंत बोल पड़े, मैं मूर्ख हूँ मैं मूर्ख हूँ। कोमल बोली, अब इसका निर्णय कैसे हो? भीखू बोला, यह खुद तय करें कि बड़ा मूर्ख कौन है। टिंकू ने अपनी मूर्खता का किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं जब ससुराल जाता तभी सास मेरे से लड़ती, मुझसे कहती सच सवर कर दिन में आया करो, जिससे मालूम पड़े कि किसी के यहाँ मेहमान आया है। यह बात मुझे चुभ गई। एक दिन मैं साले के लड़के के नामकरण समारोह में ससुराल गया। गोपी सरपंच का घोड़ा भी ले गया और किसी से सामान उधार मांग कर ले गया। सच सवर कर ससुराल तक पहुंच भी गया, पर रात हो गई। तभी मुझे सास की बात याद आ गई
कि सच संवर कर दिन में आया करो। मैंने सोचा क्या किया जाए, मैं गांव के बाहर बालाजी में ठहर गया। बालाजी में बाबा से जान पहचान थी, अब मुझे लगी भूख। उधर ससुराल में बाजे बज रहे थे, इधर मेरे पेट में चूहे भी कूद रहे थे। मैंने अपना सामान बाबा जी के पास रखा और भेष बदल कर जा पहुंचा ससुराल के दरवाजे पर। वहां जीवने वालों की पंगत में जाकर बैठा, पतलों पर चावल बुरा आ गया। एक आदमी लालटेन लेकर यह देख रहा था कि किसके पास क्या क्या सामान आ गया है। मैं रोशनी से बचना चाह रहा था, पीछे की तरफ खिसकने लगा। जब लालटेन वाला और पास आया तो मैं और पीछे खिसका। पीछे एक गड्ढा था, मैं उसमें गिर गया। गड्ढे में चावल का मांड भरा हुआ था। लोग बाग हल्ला मचाने लगे, अरे भाई आदमी गिर गया। उन्होंने मुझे गड्ढे से बाहर तो निकाला, मेरे चेहरे की ओर देखकर बोले कि यह तो हमारे मेहमान हैं। मुझे वह उल्टा सीधा कहने भी लग गए। मैंने कहा ज़्यादा ची चपड़ मत करो, मेरी गलती नहीं है। सास जी ने कहा था कि जब भी आओ दिन में सच सवर कर आया करो। मैं आया तो सच सवर कर ही था, पर हो गई रात। इसी वजह से बालाजी के यहाँ उतर गया। सारे सामान को उतार कर बाबा जी के पास रखाया। मुझे भूख लगी तो भेष बदल कर आया। सवेरे आता तो सच सवर कर आता। मेरी इसमें क्या गलती है, आप सब लोग ही बताओ। तो ससुराल वाले बोले, अरे मेहमान तो बड़ा ही मूर्ख है, तूने यह क्या किया। इस तरह मैंने ससुराल से मूर्खता का पट्टा प्राप्त किया, इसलिए यह राम राम मुझे ही की गई है। रिंकू बोला, अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला था, मैं पीहर मिलने गई, वहीं उसका लड़का हो गया। अब मैंने सोचा लड़का यहाँ होता तो ससुराल वाले चूचक लेकर आते, पर लड़का वहाँ हुआ तो अब मुझे चूचक लेकर जाना चाहिए। मैंने चूचक की तैयारी की, ससुर जी के लिए पगड़ी और धोती, सास जी के लिए लहंगा और ओढ़नी, सालों के लिए कुर्ता और धोती, अपने लड़के के लिए कुर्ता और टोपी, हाथ के लिए कड़ा भी और गले में जंजीर। सारा सामान इकट्ठा कर मैं चूचक लेकर चला। अपने संगी साथियों से भी चलने को कहा, किंतु कोई भी साथ नहीं चला। मैंने पोटली अपने सर पर रखी और चल दिया ससुराल की ओर। वहां पहुंचा तो ससुराल वालों ने पूछा, मेहमान पोटली में क्या लाए हो। मैंने कहा छूछक। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। मैंने पोटली खोलकर दिखाई, ब्यौरेवार सबको समझाया, सब हंसते ही रहे। आखिर में सब बोले, मेहमान तो बड़ा ही मूर्ख है। अरे लड़का लड़की कहीं भी पैदा हो, छूछक तो लड़की के पीहर वालों का होता है। अब बताओ मैं हूं ना बड़ा मूर्ख, राम राम भीकू ने मुझे ही कही। कोमल ने दोनों की कथा सुनी, बोली, बताओ देवर जी किसे राम राम की है। भीकू बोला, मैंने दोनों को राम राम किया। ये दोनों मूर्ख हैं, इन्हें इतना भी पता नहीं कि जहाँ चार पांच आदमी बैठे होते हैं वहाँ राम राम सभी को की जाती है। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।